हम लोगों में से अधिकांश लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का रीजन क्या है, तो फिर उनका यही जवाब होगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय असफलताओं के बाद भी जमे रहने की क्षमता को देते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इससे उल्टे ही होते हैं। फेलियर से कई अच्छे अवसर का भी जन्म होता है। इस कंपटीशन के दौर में कौन सी करेंसी मायने रखती है, उस करेंसी का नाम है सक्सेस। लेकिन इसी में एक और खोटा सिक्का है जिसको फेलियर कहते हैं। इस किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप आज के फेलियर को कल का सक्सेस बना सकते हैं। इसलिए इस किताब की समरी को सुनने की शुरुआत कर दीजिए। हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है फेलिंग फॉरवर्ड और जिसके राइटर हैं जॉन सी मैक्सवेल। क्या आपको फेलियर के भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो फिर साल 2000 में रिलीज हुई किताब फेलिंग फॉरवर्ड को आपको जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इस किताब में कई सक्सेस स्टोरीज को बताया गया है। इसी के साथ साथ किताब को सुनने या पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि खुद के फेलियर का यूज कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 1, फेलियर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाइए। आज का दौर काफी बदला सा नजर आ रहा है। बदलाव में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र सच भी है, इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बदलाव के साथ कंपटीशन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कंपटीशन के दौर में कौन सी करेंसी मायने रखती है, उस करेंसी का नाम है सक्सेस। लेकिन इसी में एक और खोटा सिक्का है जिसको फेलियर कहते हैं। लोग इस खोटे सिक्के को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेलियर नाम का सिक्का आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि लोग इस फेलियर नाम के सिक्के से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो बस इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। लेखक इस व्यवहार को ही गलत बताते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर को डिजास्टर के तौर पर देखना ही गलत है, इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आम सोच को चैलेंज करते हुए लेखक कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का हिस्सा है। इसकी मदद से हम सफलता की उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फेलियर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। हम लोगों में से अधिकांश लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का रीजन क्या है, तो फिर उनका यही जवाब होगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय असफलताओं के बाद भी जमे रहने की क्षमता को देते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके फेल होने का रिस्क रहता है, इसलिए अगर उनका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो भी वो पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेल होने के डर से बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। रियल वर्ल्ड में आपको समझना चाहिए कि एक बार फेल हो जाने से कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप सर्जियो जिमेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 1980 के दौर में कोका कोला कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। उस दौर में जब सर्जियो जिमेन ने कोका कोला की नई रेंज को लॉन्च किया था तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस सक्सेस के बाद से सर्जियो जिमेन का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका था, उनकी कंपनी के अंदर हैसियत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब कोका कोला ने नए फार्मूले को लॉन्च करने वाली थी तो सर्जियो जिमेन ने सलाह दिया था कि वो इसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च करें। इसी के साथ पुराने कोक का उत्पादन भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हुआ। न्यू कोक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। रीब्रांडेड बोतल की बिक्री ही नहीं हुई थी, जिस वजह से कंपनी को $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसी नुकसान के साथ कंपनी ने सर्जियो जिमेन को भी नौकरी से निकाल दिया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोका कोला नई ड्रिंक लॉन्च की थी, उसका नाम उन्होंने कोका कोला क्लासिक रखा था। कोका कोला क्लासिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था, इसकी बिक्री भी बहुत अधिक हुई थी। सर्जियो जिमेन के फेलियर की वजह से ही कंपनी ने खुद के अंदर सुधार किया था। उसी फेलियर की वजह से ही कंपनी को इतनी ज्यादा शोहरत मिली थी। इसके बाद साल 1993 में सर्जियो जिमेन को भी नौकरी में वापस बुला लिया गया था। चैप्टर 2, फेलियर से नए अवसर की शुरुआत भी होती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इससे उल्टे ही होते हैं। फेलियर से कई अच्छे अवसर का भी जन्म होता है।
ऐसा ही कुछ आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ था। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने उसी टेलीग्राम से एक ऐसे उपकरण की खोज कर ली थी जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी, साथ ही साथ उस आवाज को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज किया था कि उन्होंने कुछ और ही रूप में सफलता हासिल कर ली थी। नए अवसर की तलाश के अलावा भी फेलियर हार्डवेयर के इंस्टीट्यूट के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इसके लिए आप बिलेनियर बर्नी मार्कस की कहानी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। साल 1978 में हैंडी डेन नामक कंपनी ने उन्हें सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया था। उस समय मार्कस के माता पिता को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। मार्कस ने विक्टिम बनने के बजाय विजेता बनने का फैसला किया था। तभी उन्होंने एक कोवर्कर के साथ मिलकर एक साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर दिया था। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया की जानी मानी कंपनी है। कई बार हमें फेल इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए हमें खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आपको उस समय को भूलकर आगे आने वाले अवसरों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बता रहे हैं। उस दोस्त का नाम हार्न है। 1997 में भीषण बाढ़ की वजह से हार्न का रिटेल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हार्न के पास सभी चीज़ों का इंश्योरेंस था, लेकिन फ्लड्स का नहीं था क्योंकि ये उसके कंट्रोल की चीज़ नहीं थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करते हुए चली गई थी। हार्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश चालू कर दी थी। हार्न की कहानी से हमें पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को सिचुएशन को समझकर बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमें ही मिलेगा, इसलिए हमें अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर रोजर क्रॉफोर्ड का जब जन्म हुआ था तो उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी, उन्हें एक बीमारी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उनके फ्यूचर के वही जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्होंने हालातों का सामना करते हुए संघर्ष की राह पकड़ ली थी। इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। चैप्टर 4, क्लियर गोल्स और सोशल स्किल के महत्व को समझना भी जरूरी है। फेलियर को गले लगाने से आपके सामने ग्रोथ के अवसर खुल जाएंगे, लेकिन उसमें सफल होने के लिए 3 स्किल की जरूरत पड़ेगी: गोल सेटिंग, पॉजिटिव माइंडसेट और सोशल स्किल्स। अमेरिकन राइटर डॉन मार्कस कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, उन्हें नहीं मालूम होता कि वो क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग एक भीड़ चाल में चलते रहते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों की मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्लियर गोल होना ही चाहिए। गोल सेट करने के लिए आप खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा खुशी आपको किस काम में मिलती है, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पूरी शिद्दत से कर सकते हैं। इस तरह के सवालों से आपका माइंडसेट क्लियर होगा। गोल सेटिंग बस से काम नहीं चलने वाला है। आज के समय में सोशल स्किल होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अपनी सीवी कैसे भेजी जाती है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। खुद की बात को दूसरों को समझाना भी एक कला है। क्या आप इस मामले में कलाकार हैं? इन दोनों स्किल के साथ अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है तो फिर आप सभी दिक्कतों का अच्छे से सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: फेलियर सत्य है, लेकिन इससे हम फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त स्किल्स है तो फिर हम अपनी असफलता से भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपनी स्किल्स के ऊपर प्रतिदिन काम करते रहिएगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह फेलिंग फॉरवर्ड बुक समरी कैसा लगा? आज आपने क्या सीखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।